हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज हम बनाएंगे ये किटकैट केक। बच्चों के बर्थडे के लिए तो ये एकदम परफेक्ट केक है और ये एगलेस है और इसे मैंने बिना ओवन के बनाया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा किटकैट केक। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है आधा कप हल्का गर्म दूध। इसमें मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून के करीब विनेगर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाए। 5 मिनट के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, साथ ही 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, इसी में हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर, इससे केक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही 1/4 कप यहाँ मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर, 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पिसी हुई चीनी। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि एक तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और इसमें एयर गैप्स भी बनेंगे, जिससे वजह से हमारा जो केक का बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी होगा और केक भी बहुत ही अच्छा राइज होगा। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम केक बैटर मिक्स करेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए केक बैटर हम तैयार करेंगे। ये देखिए, हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। यहाँ केक बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं 1/4 कप के करीब और दूध ऐड कर रही हूँ ताकि ये एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर इसका तैयार हो जाए। और बैटर में कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, एकदम स्मूथ बैटर हमें तैयार करना है। ये देखिए इस तरह का, तो इस तरह का रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर हमें तैयार करना है। बैटर तैयार है और यहाँ मैंने एक हार्ट शेप का मोल्ड लिया है और नीचे मैंने एक पेपर लगाया है और उसे अच्छी तरह से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया था। अब जो केक बैटर हमने तैयार किया है उसे हम डाल देते हैं। इस तरह से सेंटर से हम डालेंगे तो ये चारों तरफ इवेनली स्प्रेड होगा। यहाँ मैंने हार्ट शेप का मोल्ड लिया है, आप कोई और मोल्ड भी ले सकते हैं। अब 2 से 3 बार टैप कर लेते हैं ताकि कोई एयर बबल्स अगर इसके अंदर ट्रैप होगा तो वो निकल जाएगा। यहाँ कढ़ाई को मैंने पहले 10 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा नमक डाला है और एक स्टैंड लगाया है, आप बिना नमक के भी बेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम केक वाली टिन को रख देते हैं। अब ढक्कन लगा देंगे और लगभग 40 से 45 मिनट हमें इसे बेक करना होगा। फ्लेम को यहाँ हम एकदम लो पे भी नहीं रखेंगे और मीडियम पे नहीं, लो और मीडियम के बीच में हमें इसे रखना है। तो 40 से 45 मिनट इसे बेक करने में लगेंगे। ये देखिए मेरा केक 45 मिनट में बेक हुआ था। एक टूथपिक लगाकर हम चेक कर लेंगे। ये देखिए सेंटर से टूथपिक एकदम क्लीन आई है, मतलब केक परफेक्टली बेक हो चुका है। अगर आपका टूथपिक हल्की सी स्टिकी निकले तो आप 5 मिनट और बेक कर ले। केक अभी बहुत गर्म है तो इसे कपड़े से ढककर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारा केक एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। जब तक केक ठंडा ना हो इसे मोल्ड से बाहर ना निकाले, नहीं तो ये टूट सकता है। अब एक नाइफ की मदद से हम इनके एजेस को हल्का हल्का सा लूज कर लेते हैं और उलट कर हम हल्का सा इसे टैप करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा केक निकल आएगा, क्योंकि नीचे हमने पेपर लगाया था। ये देखिए, तो नीचे से भी ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है। इस पेपर को हम हटा लेते हैं। तो बिना बटर पेपर के भी आप केक को बहुत ही अच्छे से बेक कर सकते हैं और आप केक की हाइट देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हाइट आई है केक की और कितना परफेक्टली ये बेक हुआ है। ये देखिए, अब हम इसकी लेयर्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इस केक को 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी 4 लेयर्स भी बना सकते हैं क्योंकि केक की हाइट बहुत अच्छी है। ये देखिए अंदर से भी कितनी परफेक्ट जाली आई है, इसका मतलब एकदम सॉफ्ट और स्पंजी हमारा केक तैयार हुआ है। और इसी तरह से मैं इसकी और एक लेयर कट कर लेती हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास इतना लंबा लाइन नहीं है तो आप साइड्स में हल्की सी लाइन बना ले चाकू से और फिर आप थ्रेड की मदद से इसे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 लेयर्स कट कर ली है और केक की क्रीम को भी मैंने 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम को मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर डालकर व्हिप कर लिया था, इससे हमारी क्रीम भी चॉकलेटी हो गई है। अब केक को असेंबल करते हैं। तो केक बोर्ड पर पहले हम हल्की सी व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसकी जो ऊपर वाली लेयर थी उसको मैं अपसाइड डाउन करके रख रही हूँ इस तरह से। आप चाहें तो ऊपर की लेवल को कट करके इसे लेवल भी कर सकते हैं। मैंने घर के लिए केक बनाया था इसलिए मैंने इसे कट नहीं किया।
अब यहाँ हम केक की लेयर को शुगर सिरप से सोक करेंगे। तो यहाँ चीनी और पानी को मिक्स करके मैंने एक शुगर सिरप बनाया है। इससे हमें केक के जो बेस है इसे अच्छी तरह से सोक करना होगा। इससे बहुत देर तक केक सॉफ्ट और मॉइस्ट रहता है। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर। तो यहाँ आप मोटी लेयर लगा सकते हैं, पतली लेयर लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इसे चारों तरफ हम फैला लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चॉकलेट कद्दूकस करके डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम लगा देंगे सेकेंड वाली लेयर और ठीक इसी तरह से इस लेयर को भी हम शुगर सिरप से सोक करेंगे और व्हिपिंग क्रीम लगाकर थर्ड लेयर भी कर लेंगे। ये देखिए तीनों लेयर मैंने सेट कर ली है। अब हमें केक को पूरा व्हिपिंग क्रीम से अच्छी तरह से कवर करना होगा। तो इस टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में क्रीम लगानी होगी और इसे हम चारों तरफ ये देखिए अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। पहले हम पूरे केक को अच्छी तरह से कवर करेंगे, उसके बाद हम लेवल करेंगे। यहाँ देखिए ऊपर मैंने अच्छी तरह से क्रीम लगा ली है, अब साइड्स में भी हम क्रीम लगा लेंगे। तो यहाँ मैं स्पैचुला की मदद से क्रीम लगा रही हूँ। अगर आपके पास सिलिकॉन स्पैचुला है तो बहुत ही आसानी से साइड्स में क्रीम लग जाती है। ये देखिए इस तरह से, और चारों तरफ हम इसी तरह से क्रीम से इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो यहाँ मैंने पूरे केक को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हम हल्का हल्का सा इसके ऊपर फिनिशिंग दे देते हैं। ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पूरे केक को किटकैट से कवर करने वाले हैं, इसीलिए हल्का हल्का सा हम इसे फिनिशिंग दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ मैंने केक को अच्छी तरह से लेवल कर लिया है। अब जो केक बोर्ड पर एक्स्ट्रा क्रीम लगी है उसे हम टिश्यू पेपर से साफ कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा केक तैयार है। अब यहाँ मैंने ली है किटकैट चॉकलेट और इसे हम इस तरह से साइड्स में लगाते जाएंगे। ये देखिए मैंने तोड़कर किटकैट चॉकलेट्स को अलग कर लिया था और व्हिपिंग क्रीम के साथ ये बहुत ही आसानी से स्टिक हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम पास पास रखते हुए सारे चॉकलेट्स अरेंज कर लेंगे चारों तरफ इसी तरह से। ये केक दिखने में जितना खूबसूरत लगता है खाने में भी उतना ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है, और चॉकलेटी है तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। और देख सकते हैं मैंने चारों तरफ किटकैट लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। अब जो थोड़ी सी क्रीम बच गई थी उसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और स्टार नोजल से मैं यहाँ इस केक को सामने से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ इस तरह से, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ मिडिल में मैंने एक लाइन बनाई है, ये देखिए इस तरह से, और साइड्स में भी इसी तरह से मैंने स्टार डिज़ाइंस बना लिए हैं। अब एक तरफ हम सजाएंगे जेम्स के जो शॉर्ट्स आते हैं उनसे, ये देखिए। तो कैडबरीज के शॉर्ट्स आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, इनसे हम एक तरफ पूरा कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने एक तरफ अच्छी तरह से कवर कर लिया है और सेकेंड पार्ट में यहाँ मैं लगा रही हूँ कलरफुल जेम्स, तो ये केक देखने में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए इस तरह से, तो सेकेंड पार्ट में भी हम जेम्स अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे जेम्स लगा लिए हैं और बीच में मैं सिल्वर शुगर बॉल्स लगा रही हूँ इस तरह से, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा और सुंदर लगे देखने में। ये देखिए हमारा केक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और कितनी आसानी से झटपट घर में हमने बेकरी से भी अच्छा केक बनाकर तैयार कर लिया। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।